कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, लोग शादी में से आ गए थे और शादी में आने के बाद फिर हम लोग सो गए थे, क्योंकि हम आए थे 10:30 पे। फिर उसके बाद हम सो गए, फिर सुबह उठे और आज देखो मैंने बहुत बड़ा काम किया है। लाइट जलाती हूँ पहले। तो जो मेरी हमारी बुलन के कपड़े बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, मतलब मेरे को देख देख के ना ऐसा लग रहा था कि ये ठंड कब जाएंगी, मैं कभी ना रखूँगी। तो कुछ ऐसे कपड़े जो मैंने देखो आज मैंने इस तरह रख दिए हैं, ये इसमें कल मैं ना बैग में रखूँगी। और तीन तीन चार चार जोड़ी हम सब ने अपने लिए निकाल लिए हैं, बाकी सारे हमने पैक करके रख दिए हैं। रखेंगे, अभी नहीं रख रही क्योंकि अभी मैं थक गई हूँ काफ़ी। तो धीरे 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 करके अपने घर को पूरा सेट भी करना है एंड फिर से होली की सफाई भी करनी है। तो अभी तो कुछ भी नहीं होगा मम्मी, अभी मेरे ख्याल से 20 दिन कुछ भी नहीं करूँगी, रेस्ट रेस्ट करूँगी। मतलब वही डेली में जो काम होते हैं वही करूँगी, वैसे फालतू कुछ नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ कर रही हूँ मैं सब्जी बनाने की तैयारी, क्योंकि अनमोल जाएगा। तो आप पता है जब अनमोल अब स्कूल जाने लगा है, स्कूल ओपन हो गए हैं वैसे ज़्यादातर जगहों पे, तो ये सोचना पड़ता है कि ऐसे क्या चीज़ रखे जिससे बच्चा आराम से खा ले। तो अनमोल ना हमेशा ऐसी चीज़ें बताता है जो चीज़ें स्कूल में अलाउड नहीं होती हैं। वो बोलेगा मम्मी मैगी रखना, मम्मी पास्ता रखना। तो टीचर्स बोलते हैं ना आप कोई हैवी चीज़ रखो, क्योंकि बच्चा 6 से 7 घंटे स्कूल में रहता है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को भूख नहीं लगे, वो स्टडी पे अपना पूरा रेगुलर फोकस कर सके। तो मैंने ना उसके फेवरेट आलू बना दिए थे, आलू मटर, तो उसमें से आलू आलू छांट के। तो गाइस, उधर मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी है क्योंकि अनमोल जा रहा है आज स्कूल, और उसकी यूनिफॉर्म भी निकाल दी। और देखो अब तो ना सनलाइट से ही काफ़ी रोशनी रहती है, लाइट की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो वहाँ देखिए ड्रेस निकली पड़ी है। जब ये चला जाएगा स्कूल और इसके पापा अपने ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद मैं पूरे घर को सेट करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी। और देखो मेरे बाल कल से नहीं बने। तो यहाँ पे देखिए अनमोल को मैंने नहला दिया है, अब मैं उसे रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए। तो ना तो क्रीम लगवाने का उसे बिल्कुल शौक है, कुछ भी आप बॉडी लोशन वगैरह कुछ भी लगाओ ना, ऐसे बोलता है मम्मा नहीं मुझे नहीं लगाना, पर मैं ना ज़बरदस्ती करती हूँ उसके साथ। तो उसको बाद मैंने देखिए इसके बाल बना दिए हैं। तो पता है जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना तो आपका एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए उसके नेल्स थोड़े बड़े हो रहे थे, मैंने कहा मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ जिससे मुझे ना दूसरे का सुनना पड़े। मैंने कहा कल को मैडम मुझे टोके कि आपके बच्चे के नेल्स बढ़ रहे थे, तो मुझे एकदम दिख गया तो मैंने नेल्स कर दिए। तो यहाँ मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो गई और मैं उसका लंच बना के लिए आई हूँ। तो मैं बैग में देख रही थी तो अगड़म झगड़म रख के ले जाता है। एक बार वो अपना बैग तो खुद लगा लेता है, लेकिन फिर भी ना स्कूल जैसे जाता है तो मैं चेक कर लेती हूँ उसका, जैसे पेंसिल नहीं चला हुआ था तो मैंने पेंसिल पहले मैं ऐसे क्यों लटका रखी हुई, वो तो लगाओ, ये लो अपना बैग, हैंग किया है ना पॉकेट में, हैंग किया है मेरा। ओके ओके बेटा, ध्यान रखना अपना, ध्यान रखना अपना ना, ठीक है आ जाऊंगी। तो गाइस ये दोनों चले गए हैं, और देखिए अभी मैं ना अपना नाश्ता लेके बैठी हुई थी, तो मैं जल्दी से ये कर लेती हूँ, फिर मैं अपने सारे काम करके फिर मुझे लेने भी जाना है। अभी तो टाइम है बहुत, 2:30 बजे आता है ये, बहुत सारे काम भी हैं आज। तो इसे थोड़ा चार्जिंग पे लगा देती हूँ फ़ोन को। तो यहाँ पे गाइस मैं कर रही हूँ सिंक को साफ। सिंक क्या पूरा किचन ही साफ़ किया था, जैसे खाना पीना बन गया था, सब लोग चले गए थे तो साथ के साथ काम हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। और जब ये लोग चले जाते हैं ना, सबसे पहले मैं अपना किचन क्लीन करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए सारा किचन एकदम क्लीन कर दिया है, और सबसे पहले ना मैं काम फिनिश करके अपने बालों को सुलझाऊंगी, क्योंकि जब नहीं सुलझते हैं ना तो मैं एकदम से फिर करती हूँ तो बहुत सारा मतलब बाल टूटता है। जब अगर 3-4 दिन नहीं करती हूँ, और मुझे आलस लगता है बालों को मतलब बहुत करना, सब लोगों को इतना शौक होता है कि लंबे बाल हो, और मुझे भगवान ने ये गॉड गिफ्ट दिया है तो मुझे ना इनकी केयर करने में बहुत आलस लगता है। और देखिए घड़ी पर मत जाना, घड़ी चल रही है लेट, कल इसके सेल भी हो गई थी रात में, हम मंगाते हैं। और यहाँ देखिए गाइस मैंने ना कुछ बुलंस के कपड़े जो रखे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं इनको बाहर नहीं रखे रह दूँगी, क्योंकि कब ये रखे जाएंगे कब नहीं रखे जाएंगे। तो मेरे को एकदम ऐसा हुआ कि मैंने अपना बेड खोला और गद्दे को उठा उठा के जो एक्स्ट्रा कपड़े थे बुलंस के जो मुझे रखने थे अंदर, वो मैंने इसमें रख दिए हैं ताकि फिर बाद में दिक्कत ना हो। और दिक्कत तो बहुत बड़ी बन भी गई है, मैंने आप लोगों से शेयर भी नहीं किया था और मैं करने भी वाली थी, अब शायद ना भी कर पाऊँ। तो कभी कभी ना हम लोगों में होता है ना, मुझ में ख़ास तौर से ज़्यादा होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है वो चीज़ करनी है,
पर मैं अपना हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं देती, भूल जाती हूँ कि सब नॉर्मल होगा, सब अच्छा होगा, पर हो जाता है कभी कभी। तो गाइज़ ये मेरी साड़ी थी जो मैं शादी में पहन के गई थी, तो ये मुझे ड्राई क्लीन करानी है क्योंकि ये हल्का हल्का कलर छोड़ती है, तो ये एक बार ड्राई क्लीन हो जाएगी ना फिर कलर नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए एक खाना अलमारी का मैंने अनमोल के पापा के लिए खाली करा, उसमें मैंने इनका कोट रखा। तो गाइज मैंने इनका कोट को बिना उसमें कोट कवर में लगा के रख दिया है, ताकि अब जब तय बना के रखते हो तो काफ़ी सरबटें आ जाती हैं फिर, जिससे ना ड्राई क्लीन आपको करानी पड़ती है चाहे वो गंदा हो या ना हो। तो बस वो मैंने रख दिया है, और सारा घर आज मेरा उथल उथल पड़ा है क्योंकि थोड़े से आप थोड़ा भी ऐसा काम फालतू करती हो ना तो आपका घर पूरे तरह से बिखर जाता है, तो उसे सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा भी रेस्ट करती हूँ, थकान सी होने लग रही है। तो गाइस अभी अभी मैंने नहा लिया है और अब जा रही हूँ मैं पूजा करने। पूजा करने के बाद हल्का फुल्का खाना खाऊंगी क्योंकि अभी टाइम है अनमोल के आने में, अभी सिर्फ 11 बजे हैं, तो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है, नहा धो के मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। बस भगवान हम सबकी मनोकामना पूरी करे, हम सबको खुश रखे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रखे, सबकी फैमिली में दिन रोज चौगुनी तरक्की हो, सबके बच्चे बने रहें। तो गाइस पूजा वूजा सब करके मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, अब मैं थोड़ी देर नींद लूँगी अपनी। नींद आ नहीं रही है पर ना मतलब शरीर में ना थकान सी रहती है बहुत ज़्यादा, तो मैं नींद करूँगी पूरी अपनी। अभी टाइम है अनमोल को लाने में 2 घंटे हैं, तो 1 घंटा सो जाती हूँ एंड उसके बाद मैं लंच करूँगी। और बेड पे आके ना ऐसा लगता है कि बड़ा सुकून सा मिल रहा है, पता नहीं हम लोग कब से काम में लग रहे हैं, कब काम ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता हम लेडी लोगों का, फिर भी ये होता है कि हम लोग करते क्या हैं करते क्या हैं। गाइस अब जा रही हूँ मैं अनमोल को लेने के लिए, और मैंने मास्क ले लिया है क्योंकि भैया सावधानी बरतनी चाहिए हर चीज़ में, तभी हम हर चीज़ को नाकाम करेंगे। तो चलते हैं अभी लॉक लगा के। हाँ चले ऊपर, इसको नहीं पकड़ना गंदी है ये। फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस आप लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, वीडियोस देखते हो पर लाइक करने में क्या जाता है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया करो। तो फिर से मिलूंगी अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्ते बाय बाय।